स्पॉट में इस फेस्टिव को जो वहाँ से डायरेक्शन आई थे उसको चैलेंज करने के बारे में अभी नहीं सोचा। हम तो चैलेंज करते हैं, हम आपको जो बता रहे हैं कि भाई ये क्या मंसूबा है, मैग्नमाइज्ड रोड बनाया जा रहा है ताकि खुला ट्रैफिक वहाँ जाए, और फिर गेट इसलिए बनाया जा रहा है कि जो यात्रियों के बगैर कोई स्टेट सब्जेक्ट है वो वहाँ नहीं जा सकते। तो ये तो सब सब कुछ हम इसीलिए कह रहे हैं कि भाई जो सहारा लिया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के की मुदाखलत का, उसको तो हम चैलेंज करते हैं। कोर्ट में चैलेंज नहीं करेंगे, कोर्ट यहाँ के हमें मालूम है कि यहाँ की अदालत जो है, चाहे दिल्ली की अदालत हो चाहे यहाँ की अदालत हो, हमारा तजुर्बा है और ठोस तजुर्बा है, बिना शक शुबा हम कह सकते हैं कि हमें अदालतें इंसाफ नहीं दे पा रही, कोई अदालत हमें इंसाफ नहीं दे पा रही है। और हिंदुस्तान के कानून का ये हाल है, आप नोट करके रखिए कि यहाँ लाल बाजार के दो जवानों को 14 साल के बाद बताया गया कि यू आर इनोसेंट पीपल, 14 साल के बाद। उस अदालत पर क्या फख्र करेंगे, उस अदालत का जिक्र करेंगे? हमने यहाँ अदालत को, हमारे कैलेंडर जब्त किए गए, हमने अदालत की तरफ रुजू किया, हुकूमत ने बहुत बड़े फख्र से कहा कि देखो गिलानी को भी हमारी अदालतों पर एतमाद है, और आज तक कोई फैसला नहीं दिया अदालत ने। यहाँ मेरी जो इलीगल हाउस अरेस्ट है, मेरी कन्फाइनमेंट है, उसके खिलाफ हमने कोर्ट में दायर किया, आज तक कोई फैसला नहीं दिया कोर्ट ने। बार बार जब भी पुलिस जाती है उनको एक हफ्ता, दो हफ्ता, फिर तीन हफ्ते तक आपको मोहलत दी जा रही है जब आप रिपोर्ट पेश करें। क्या मोहलत देनी है? आपकी आंखों के सामने, आपकी नाक के सामने सब कुछ हो रहा है। गिलानी को इलीगल कन्फाइनमेंट में रखा जा रहा है, यहाँ आकर देख लीजिए, पुलिस की चौकी लगी हुई है, 24 घंटे पुलिस यहाँ रहती है, और फिर झूठ इस हद तक, हिमालय जितना बड़ा झूठ बोलती है हुकूमत की, ये गिलानी की रिक्वेस्ट पर हमने यहाँ सिक्योरिटी रखी है, बिल्कुल झूठ है, हिमालय जितना बड़ा झूठ है, ये उन्होंने जबरन यहाँ पुलिस को बिठा रखा है 24 घंटे। तो आप अदालत में जाकर कहिए भाई आप लोग इंसाफ नहीं दे पा रहे हैं, इस अदालत की आप बात कर रहे हैं। हम आवाम को बेदार करेंगे इंशाल्लाह, और हमारे आवाम ने गुज़श्ता 65 साल में इतनी कुर्बानियाँ दी हैं जो किसी भी और जगह आप नहीं देख पाएंगे, और हमारा आवाम इंशाल्लाह बाहोश है इंशाल्लाह, खासतौर हमारा नौजवान तबका, कि वो अपनी कुर्बानियों की हर हाल में इंशाल्लाह हिफाजत करेंगे। और कभी हम इंशाल्लाह जब भारत के फौजी कब्जे को लेजिटिमेसी अता नहीं करेंगे इंशाल्लाह, आप याद रखिए, हिंदुस्तान तक भी बात पहुँचा दी। गिलानी साहब, आपने कहा कि